हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले ऐसे 10 स्टॉक के बारे में जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग है। ऐसे 10 स्टॉक के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, ये स्टॉक कुछ ऐसे है जिसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, इसमें रिस्क कम होगा और लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देंगे। ऐसे कुछ शेयर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ दोस्तों। तो देख लेते हैं हम ऐसे स्टॉक जिस पे इन्वेस्टमेंट हम लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। तो दोस्तों, हम इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं दोस्तों। हम लॉन्ग टर्म के लिए शेयर खरीदने के बारे में बताते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए हम कभी रिकमेंड नहीं करते कि आप खरीदो और बेच दो, ऐसा हम इसमें रिकमेंड नहीं करते। हम लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं दोस्तों, हमारा नज़रिया लॉन्ग टर्म के लिए है, तो इसी पर्पज़ के हिसाब से हम वीडियो बनाते हैं दोस्तों। सो दोस्तों, हम देख लेते हैं उन 10 स्टॉक के बारे में जो कि मल्टी वेहिकल साबित हो चुके हैं और उन्होंने बहुत ही बड़ा इतिहास रच दिया है। उस 10 स्टॉक के बारे में हम देख लेते हैं, एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि उन्होंने किस तरह का परफॉर्मेंस किया है। सो दोस्तों, पहला स्टॉक है हमारा एशियन पेंट। सभी को पता है दोस्तों, मल्टी बैगर साबित हो चुका है ये पेंट। पेंट इंडस्ट्री में लीडर है दोस्तों, सभी को पता होगा। इसका मार्केट कैप दोस्तों 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप है दोस्तों। सो देख लेते हैं दोस्तों, इसके रिटर्न चार्ट पैटर्न में आ गए। हम देख सकते हो दोस्तों, एक साल में कंपनी ने रिटर्न कितना दिया है, 15% का। सो देख सकते हो दोस्तों, एशियन पेंट में भी खरीदने का हमें अच्छा मौका मिला था। जिन्होंने अपॉर्चुनिटी उठाया उसको अभी अच्छे रिटर्न्स मिले दोस्तों। एक साल में यहाँ पे एक गिरावट थी, उसके बाद में यहाँ पर एक गिरावट थी, यहाँ पे भी अच्छा खासा गिरा हुआ था दोस्तों, देख सकते हो आप। अगर हम ऐसा भी मिला ले तो देख सकते हो टॉप लेवल से 23% गिरा हुआ था दोस्तों। 23% डिस्काउंट हमें मिल रहा था दोस्तों। अगर हम इसका 5 साल का चार्ट पैटर्न देखें तो दोस्तों, 5 साल में 200% का रिटर्न है दोस्तों, देख सकते हो आप। कंपनी ने सीधा पैसे 2 गुना कर दिया है। तो आप एशियन पेंट को नज़र पे रख सकते हो, मैक्सिमम टाइम पे रिटर्न देख सकते हो, 29,000% का रिटर्न है दोस्तों। देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे कंपनी का मार्केट कैप मैंने आपको बताया था, 3 लाख का मार्केट कैप है कंपनी का। पी रेशियो देख सकते हो, कंपनी का हाई और लो देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है। सो दोस्तों, आप एशियन पेंट को खरीदने के बारे में सोच सकते हो, बढ़िया कंपनी है दोस्तों। ऐसी कंपनी आपको लॉन्ग टर्म में रिटर्न देती है दोस्तों। आप अगर चाहते हो कि ये शॉर्ट टर्म में अच्छा रिटर्न दे तो दोस्तों, ऐसा नहीं है, ये धीमे धीमे चलती है दोस्तों। तो इस कंपनी के बारे में आप सोच सकते हो। हम सेकेंड स्टॉक पर आ जाते हैं। सेकेंड स्टॉक कौन सा है, देख सकते हो दोस्तों, पीडीलाइट। पीडीलाइट किससे रिलेटेड काम करता है, फेविकॉल। फेविकॉल में लीडर है दोस्तों ये कंपनी पीडीलाइट। सो दोस्तों, इसने भी बहुत ही अच्छे रिटर्न दिए हुए हैं। देख लेते हैं हम कंपनी ने किस तरह के रिटर्न दिए हुए हैं। देख सकते हो कंपनी ने एक साल में कितना रिटर्न दिया हुआ है, एक साल में 18% दिया हुआ है दोस्तों। आप बोलोगे दोस्तों, सर 18% ही रिटर्न दिया हुआ है एक साल में, इससे अच्छा तो मिड कैप कंपनी दे देती है। और दोस्तों, उसमें रिस्क भी वैसा ही रहता है। और दोस्तों, इसी के अगर आप 5 साल के रिटर्न देख सकते हो तो 5 साल में आपका पैसा 2 गुना हो गया है, 2 गुना से भी ज़्यादा पैसा हो गया दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो आप, 233% का रिटर्न है दोस्तों, देख सकते हो। यहाँ पे भी देखो दोस्तों, कंपनी का चार्ट पैटर्न देखो, सीधा ऊपर जा रहा है, कंसिस्टेंसी रिटर्न दे रहा है। देख सकते हो यहाँ पे भी कहीं कहीं आपको गिरावट दिख रही होगी, ये यहाँ पे दिख रही है गिरावट। यहाँ पे खरीदने का मौका था, यहाँ पे भी अच्छी कंपनी गिरी थी। तो एक साल में हम देख सकते हैं कहाँ का खरीदने का मौका था, देख सकते हो। एक साल में यहाँ पे एक मौका था, यहाँ पे एक मौका था, यहाँ पर भी मौका था दोस्तों। तो अभी रिटर्न देखो दोस्तों, ऊपर ही जा रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म में अच्छा ही परफॉर्मेंस देती है दोस्तों। इसका मैक्सिमम टाइम देख सकते हो आप, बॉप रे, 42,000% का रिटर्न दोस्तों, देख सकते हो चार्ट पैटर्न कंपनी का कितना बढ़िया नज़र आ रहा है। ये यहाँ पे भी दोस्तों, ये छोटी छोटी है ना, ये गिरावट ही दिख रही है, ऊपर नीचे, ये छोटी छोटी गिरावट रहती है, वो खरीदना का बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहता है दोस्तों, जो कि हमें ध्यान देना चाहिए कंपनी के ऊपर। 1.34 लाख करोड़ का मार्केट कैप है दोस्तों, देख सकते हो कंपनी का मार्केट कैप। पी रेशियो 111 का है। डिविडेंड ईयर देखो दोस्तों, 0.38। कंपनी का हाई और लो देख सकते हो, 2764 रुपये का हाई है और लो 1988 रुपये का। सो दोस्तों, ये भी कंपनी खरीदने के बारे में आप सोच सकते हो दोस्तों, बढ़िया कंपनी है, लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देती है। एफडी में रखने से अच्छा इसी में पैसे रखना पड़ता है दोस्तों, एफडी से अच्छा तो रिटर्न देगा। सो हम चलते हैं नेक्स्ट कंपनी के ऊपर। नेक्स्ट कंपनी देख लेते हैं, देख सकते हो दोस्तों, HDFC बैंक। देख सकते हो HDFC के बैंक का सबसे बढ़िया बिजनेस है दोस्तों। निफ्टी 50 में भी HDFC का वेटेज है दोस्तों। अगर इस कंपनी को कुछ हो गया ना दोस्तों, यहाँ पे कोई अटैक वगैरह ऐसा होना तो नहीं चाहिए, अगर इस कंपनी में कुछ होता है, ये इंडिया है दोस्तों, इसमें से आधे इंडिया का पैसा डूब जाएगा दोस्तों। इतना पैसा HDFC बैंक के पास में है, जो कि बैंकिंग सेक्टर में लीडिंग रोल निभाता है अपना। इसका बिजनेस वाकई में बहुत अच्छा है दोस्तों। एक साल में दोस्तों देख सकते हो, -5% का रिटर्न। आप बोलेंगे दोस्तों कि सर ये तो माइनस में रिटर्न दे रहा है, उससे अच्छा FD में रख दूंगा। पर दोस्तों, बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है दोस्तों। आप इसके 5 साल के रिटर्न देख सकते हो, 63% का रिटर्न दिया है, जो कि FD से भी अच्छा है। ऐसे कंपनी में 5-5, 10-10 साल रहना होता है दोस्तों, और इनको बड़ी गिरावट में भी खरीदना बहुत अच्छी बात है दोस्तों। देख सकते हो कोविड में कितना नीचे आया हुआ था,
यहाँ पे खरीदने की बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी दोस्तों। देख सकते हो आप कंपनी यहाँ पे कितना नीचे आया हुआ था, देख सकते हो दोस्तों 26% नीचे आया हुआ था। ये 26 तो रफली मैं बता रहा हूँ, अगर आप इसको एक्चुअल में कैलकुलेट करेंगे तो 30% से भी ज़्यादा आएगा। तो दोस्तों खरीदने का मौका रहता है दोस्तों, ऐसे गिरावट में ऐसे कंपनी को खरीदना होता है। तो 5 साल में HDFC बैंक ने 63% का रिटर्न दिया हुआ है, जो कि अभी थोड़ी गिरावट है उस कारण ये रिटर्न भी हमें कम नज़र आ रहे हैं। तो अच्छी खासी गिरावट भी हुई है दोस्तों, वॉर रिसेशन इस टाइप के सिचुएशन के कारण ये गिरावट भी दिखाती है। तो दोस्तों इसे भी आप अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हो, इसे भी खरीदने की आप सोच सकते हो। अगर आपके पास में बड़ा पैसा होगा तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो दोस्तों। तो आप HDFC बैंक के भी वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हो। इवन मैं आपको सभी जितनी भी कंपनियाँ बता रहा हूँ आप सभी की वेबसाइट विजिट कर लो दोस्तों। एक बार NSE के साइट में जाके देखो, इनके वेबसाइट में जाके देखो, इनके बारे में पढ़ो दोस्तों। जितना इन कंपनियों के बारे में पढ़ेंगे उतना ही आपको अच्छा नॉलेज मिलेगा दोस्तों। सो हम नेक्स्ट स्टॉक में चले जाते हैं। सो आगे दोस्तों हम नेक्स्ट स्टॉक में देख सकते हो रिलायंस। सभी को पता है दोस्तों सब जियो का सिम यूज़ ही करता हूँ, वो रिलायंस का ही बिजनेस है। रिलायंस में सबसे ज़्यादा अगर कोई बिजनेस करता है तो रिलायंस रिटेल, तो ये तो बिजनेस की बात होगी। आप ये बिज़नेस उनका वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हो। फिलहाल दोस्तों हम बात करेंगे इस स्टॉक की, तो देख लेते हैं कंपनी का चार्ट पैटर्न। सो दोस्तों देख सकते हो 1 साल में कंपनी ने रिटर्न कितना दिया हुआ है, 21%। ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से है, तो इस कंपनी को भी आप देख सकते हो, इसकी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। सो देख सकते हो दोस्तों कंपनी ने 5 साल का रिटर्न कितना बढ़िया दिया हुआ है, 230% कंपनी ने रिटर्न दिया हुआ है, 2 गुना से भी ज़्यादा कंपनी ने पैसा बना दिया है। सो ये भी कंपनी देख सकते हो दोस्तों, यहाँ गिरावट हुई थी, देख सकते हो कंपनी ने कितना बढ़िया रिटर्न दिया हुआ है। चार्ट पैटर्न देखो दोस्तों, सीधा ऊपर जा रहा है। यहाँ पे गिरावट हुई थी दोस्तों, देख सकते हो आप, यहाँ गिरावट हुई थी, उसके बाद में यहाँ थोड़ी बहुत गिरावट हुई थी। ये दोस्तों छोटा इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये हिस्ट्री में छोटा छोटा होते रहता है, तो आप समझ लीजिए उस हिसाब से। देख सकते हो यहाँ पे भी गिरावट दिखाया हुआ है, ये गिरावट ही है दोस्तों, ये छोटी छोटी गिरावट दिख रही है, 2020 की ये गिरावट है। फिर यहाँ पे गिरावट आई थी, देख सकते हो ये छोटी छोटी गिरावट में हमें खरीदना होता है दोस्तों। कंपनी का मार्केट कैप देख सकते हो 17 लाख करोड़ रुपये का मार्केट कैप है दोस्तों। हाई और लो देख सकते हो कंपनी का, 2856। सो दोस्तों इस कंपनी में भी आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हो, बढ़िया कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री, बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं दोस्तों। तो हम देख लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक को। सो देख सकते हो इस बैंक के बारे में सभी को बताऊंगा दोस्तों, ICICI बैंक लिमिटेड। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंपनी का मार्केट कैप भी बहुत बढ़िया है और HDFC बैंक के बाद में इस बैंक का नंबर आता है दोस्तों, जो कि सेकेंड रैंक पर अभी लीड कर रही है। तो इसने भी अपना परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दिखाया दोस्तों, बहुत ही निचले लेवल से बहुत ही जल्दी ग्रो किया है। इस तरह की बैंक है दोस्तों ICICI बैंक, तो इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट करने के हिसाब से सोच सकते हो, इसमें भी आप अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो इसका चार्ट पैटर्न हम देख लेते हैं। 1 साल में वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा है, तो खरीदने का मौका भी उस तरीके से मिला है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो आप खरीदने का मौका कहाँ खरीदने का मौका नहीं दिया है कंपनी ने। 1 साल में भी 19% का रिटर्न है इसमें। हम बात करें 5 साल का रिटर्न, देख सकते हो आप दोस्तों 191% का रिटर्न दिया हुआ है दोस्तों। इसमें भी गिरावट हुई थी 2020 में, ये तो कोविड का टाइम था, कोविड में तो सभी कंपनी में गिरावट हुई थी। यहाँ पे देखो दोस्तों छोटी छोटी गिरावट दिख रही है, ये खरीदने की अपॉर्चुनिटी होती है दोस्तों। कंपनी का मैक्सिमम टाइम का रिटर्न देख सकते हो दोस्तों, कितने निचले लेवल से ड्रेस्टिकली ऊपर गई है दोस्तों। तो जिन्होंने इन कंपनियों को बेचा ना ऐसे टाइम पे इस लेवल पे, वो तो अभी भी पछता रहे होंगे कि काश मैंने होल्ड कर लिया होता और मुझे इस तरीके के रिटर्न मिले होते। तो दोस्तों देख सकते हो दोस्तों बढ़िया रिटर्न मिले, कंपनी गिरावट भी दिखाती है, ऐसा नहीं है कि लास्ट कैप कंपनी गिरावट नहीं दिखाती है, ये बहुत ही रेयर मतलब कम गिरावट दिखाती है। 30-40% तो कभी कभी ही ऐसी कंपनी गिरती है, जैसे कि अभी रिसेशन आया था, वॉर लाइक सिचुएशन है। सो दोस्तों इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हो। कंपनी का मार्केट कैप 5,83,000 करोड़ का है, तो आप इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो दोस्तों। बढ़िया स्टॉक है, इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो देख सकते हो दोस्तों आप टाटा ग्रुप की टाइटन कंपनी। मार्केट में ज्वेलरी से रिलेटेड अगर बात करें तो सबसे पहले टाइटन ही आता है। वॉच भी टाइटन की देख सकते हो, वॉच हो गया फास्टैग, इसी का ब्रांड है। कोई भी अगर ज्वेलरी खरीदने जाए तो टाइटन उसमें मेन लीड करता है। ज्वेलरी से रिलेटेड बहुत ही अच्छा बिजनेस है दोस्तों टाइटन कंपनी का, तो ये कंपनी भी बहुत ही अच्छा रिटर्न देती है दोस्तों। 1,00,000 करोड़ में इसका मार्केट कैप है। अभी भी आपको सभी को बताऊंगा कि राकेश जूनियर वाले की होल्डिंग इसी में है। खैर हमें राकेश जूनियर वाले की होल्डिंग से कुछ नहीं करना है दोस्तों, तो हम इसमें कितना टिक पाते हैं वो जरूरी है कि ये ऐसे कंपनी दोस्तों धीरे धीरे चलती है, धीमे धीमे ऊपर जाती है, धीमे धीमे इसके रिटर्न बनते हैं। 1 साल में कंपनी ने 34% का रिटर्न दिया हुआ है। अगर हम बात करें 5 साल के रिटर्न की, 5 साल में देखो दोस्तों 3 गुना पैसे कर दिया है दोस्तों। सोचो दोस्तों अगर किसी ने यहाँ पे अगर इसे बेचा ही ना होता तो उसको इतने रिटर्न नहीं मिले होते। देख सकते हो ये खरीदने का वक्त होता है दोस्तों, कि ऐसे टाइम पे कंपनियों को खरीदना चाहिए, एक गिरावट के टाइम पे। ये छोटी छोटी गिरावट ही मायने रखती है दोस्तों। तो इस कंपनी को भी आप होल्ड कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। अच्छा अगर आपको बिना कोई रिस्क लेके आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो इस स्टॉक पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बढ़िया स्टॉक है दोस्तों टाइटन कंपनी।
देख सकते हो कंपनी लिस्टेड कब हुई है, क्योंकि मुझे ये कंपनी बहुत अच्छी लगती है दोस्तों। देख सकते हो दोस्तों 1 जनवरी 1999 में इसका लिस्टिंग हुआ है। सो ये कंपनी मुझे बहुत अच्छी लगती है दोस्तों, मेरा इन्वेस्टमेंट है इसमें, तो मैं इसे कंटिन्यू करूँगा। आप इस कंपनी के बारे में भी पढ़िए, वेबसाइट चेक करिए, ऐसा नहीं दोस्तों मेरे पास में है तो आपने भी लेना चाहिए, वो आपका डिसीजन होना चाहिए। सो आप भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बट आप सबसे पहले इस कंपनी के बारे में स्टडी कर लो। रिस्क नहीं लेना है तो इन कंपनियों में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मैक्सिमम टाइम में देख सकते हो दोस्तों 56,700 का रिटर्न दिया हुआ है, तो ये भी बेस्ट है दोस्तों। देख सकते हो कंपनी का मार्केट कैप 2.17 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। हाई और लो देख सकते हो 52 वीक का, देख सकते हो दोस्तों ये इस साल में 1700 पे ये लो बना हुआ था दोस्तों, बहुत ही नीचे आया हुआ था, खरीदने का बहुत ही अच्छा मौका था इस टाइम पे। देख सकते हो डायरेक्ट 1000 रुपये की बढ़त दिखी है दोस्तों इसमें, 2700 रुपये का अभी दिखा रहा है। तो ऐसी कंपनियाँ नीचे जब भी आती है तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन और FIIs ये कूद पड़ते हैं दोस्तों ऐसे स्टॉक खरीदने के लिए। सो दोस्तों आप इस स्टॉक को भी आप खरीदने के बारे में सोच सकते हो, बढ़िया स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा परफॉर्मेंस देता है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक के बारे में। देख सकते हो दोस्तों बजाज फाइनेंस लिमिटेड, ये भी फाइनेंस से रिलेटेड काम है, फाइनेंस सेक्टर में अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है, रिटेल इन्वेस्टर को सबसे ज़्यादा फाइनेंस करके देती है ये कंपनी। थोड़ा महंगा स्टॉक है इसलिए यहाँ पे लोग ज़्यादा आते नहीं है, फिर भी बेस्ट स्टॉक हम बोल सकते हैं दोस्तों, अच्छा खासा बिजनेस कर रहा है। आप इनके वेबसाइट में जाके देखिए, आपको वेबसाइट से ही सारी बातें पता चल जाएगी, आप इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। देख सकते हो दोस्तों 17% का रिटर्न दिया हुआ है, जो कि टॉप लेवल से देख सकते हो कितना ज़बरदस्त गिरा हुआ है दोस्तों। यहाँ पे भी अच्छा खासा बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी थी दोस्तों, यहाँ पे भी जिन्होंने खरीदा उनको अच्छे खासे यहाँ पे रिटर्न मिला हुआ है। देख सकते हैं दोस्तों टॉप लेवल से कितना गिरी है कंपनी, 30% दोस्तों, 30% नीचे आया हुआ, ये तो रफली बताया हुआ, अगर आप एक्चुअल में पकड़ोगे तो ज़्यादा ही ये नीचे आया हुआ है, 32-33% नीचे आया हुआ है, ये मैं रफली बता रहा हूँ। देख सकते हो दोस्तों मतलब माइनस में आया, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी अच्छी नहीं है, ख़राब होगी, ऐसा नहीं है दोस्तों, इन कंपनी को लॉन्ग टर्म के बारे में देखना होता है। देख सकते हो दोस्तों 5 साल के रिटर्न 334% के रिटर्न है दोस्तों, 5 साल में बहुत ही बढ़िया वर्क किया है कंपनी ने, तो ये छोटे मोटे गिरावट में ऐसे कंपनियों को खरीदना चाहिए दोस्तों। इसका अगर मैक्सिमम टाइम देखें तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे कितना बढ़िया चार्ट पैटर्न, बढ़िया और रिटर्न देख सकते हो दोस्तों, बोलने की जरूरत नहीं है, इतना बढ़िया रिटर्न कंपनी ने दिखाया हुआ है। सो इस कंपनी को भी खरीदने के बारे में आप सोच सकते हो, बढ़िया कंपनी है। इसका मार्केट कैप देख लेते हैं दोस्तों, 4 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, देख सकते हो आप यहाँ पे पीई रेशियो देख सकते हो। इसके बाद में हाई और लो देख सकते हो दोस्तों, 8,000 रुपये तक की कंपनी गई थी, उसके बाद में देख सकते हो दोस्तों ड्रेस्टिकली ये रिसेशन के कारण ही 5,200 में कंपनी आया हुआ था दोस्तों, देख सकते हो इतनी बड़ी गिरावट कंपनी ने की है। तो ऐसे गिरावट में ही खरीदना होता है दोस्तों, अगर आप चाहो तो इसे भी खरीदने का सोच सकते हो। इसी का एक भाई है दोस्तों, उसको भी हम देख लेते हैं, वो भी बजाज ग्रुप से ही है। सो देख सकते हो दोस्तों बजाज फाइनेंस के साथ में ये भी स्टॉक चलता है दोस्तों, बजाज फिनसो, 15,522 रुपये का शेयर है दोस्तों, महंगा है दोस्तों पर सभी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, शायद ही इस पर स्प्लिट बोनस का कोई कंपनी ऐलान कर दे, स्प्लिट हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर स्प्लिट हो जाएगी तो रिटेल इन्वेस्टर भी इसे खरीद सकते हैं। एक साल में हम बोल सकते हैं 5%, जो कि कुछ खास नहीं है, हम 5 साल का देख सकते हैं दोस्तों, 5 साल में अच्छा खासा रिटर्न दिया हुआ है, पैसा 2 गुना कर दिया है दोस्तों, 201% का रिटर्न कंपनी ने कमा के दिया है। तो मैक्सिमम टाइम में हम देख लेते हैं, देख सकते हो दोस्तों मैक्सिमम टाइम में कंपनी ने 2,280% का रिटर्न बना दिया है, तो ये भी रिटर्न दोस्तों अच्छे है। कंपनी का चार्ट पैटर्न देखो दोस्तों, कितना बढ़िया चार्ट पैटर्न दिख रहा है। कंपनी का मार्केट कैप देख सकते हो 2.40 लाख करोड़ का मार्केट कैप है दोस्तों, हाई और लो देख सकते हो कंपनी का, देखो दोस्तों 19,000 तक की कंपनी गई थी और 10,000 का लो कंपनी ने दिखाया है, ये देखो दोस्तों बहुत ही बढ़िया गिरावट थी, ऐसे सिचुएशन में खरीदना होता है दोस्तों। सो आप इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बढ़िया कंपनी है लॉन्ग टर्म के लिए, इसे भी कंटिन्यू कर सकते हो, जिसके पास में है दोस्तों वो जरूर कंटिन्यू कर सकते हैं। सो आ गए हम दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, स्टॉक हिंदुस्तान यूनिलीवर, FMCG सेक्टर का लीडर है दोस्तों, ये कंपनी थोड़ी धीमे धीमे चलती है पर लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा है दोस्तों। अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, 10 साल के लिए हो गया, 15 साल के लिए हो गया, तो ऐसे कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, रिटर्न पूरे हमारे सेफ रहते हैं दोस्तों, इसमें रिस्क नहीं रहता है दोस्तों ऐसे कंपनियों में। देख सकते हो 1 साल में कंपनी ने 10% का रिटर्न दिया हुआ है, हम 5 साल के रिटर्न देख लेते हैं, 5 साल में देख सकते हो दोस्तों 5 साल में बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिया हुआ है, देख सकते हो 129% पैसा बना के दिया है 5 साल में। हम कंपनी का मैक्सिमम टाइम देख सकते हैं, मैक्सिमम टाइम में देख सकते हो दोस्तों 1490% कंपनी ने बना के दिया हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा है। चार्ट पैटर्न देख सकते हो दोस्तों, बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। सो एक ही बात दोस्तों, यहाँ पे रिस्क बहुत ही कम रहता है, नहीं के बराबर रिस्क रहता है, मतलब रहता ही नहीं है दोस्तों। 6.21 लाख करोड़ का मार्केट कैप है देख सकते हो, जो कि बहुत ही बढ़िया मार्केट कैप है दोस्तों। 2,850 तक के कंपनी ने हाई लगाया हुआ है, 1901 का लो लगाया हुआ है, तो यहाँ भी इन्वेस्टमेंट के बारे में आप सोच सकते हो दोस्तों, बढ़िया कंपनी है, थोड़ा रिटर्न कम मिला है पर बढ़िया है दोस्तों इन्वेस्टमेंट के लिए। हम नेक्स्ट स्टॉक में चलते हैं। सो देख सकते हो दोस्तों हम बात कर रहे हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड, देख सकते हो कंपनी सभी ने सुना है, IT सेक्टर में बहुत ही बढ़िया बूम मचा रहा है दोस्तों, एशियन शेयर के बाद में टाटा का ही नाम आता है, जो कि वर्ल्ड वाइड चलता है, फर्स्ट
वर्ल्ड में अगर बात करें तो फर्स्ट नंबर में एसेंशियर और सेकेंड नंबर में दोस्तों बात करें तो TCS जो कि अपने टाटा ग्रुप से है। ठीक है दोस्तों, इतना है कि थोड़ा रिटर्न नहीं देती है, अगर साल भर नहीं चलेगी, दो साल नहीं चलेगी, तीन साल नहीं चलेगी, चौथे या फिर पाँचवें साल ऐसा भागता है दोस्तों पूरे रिटर्न कवर कर देता है। एक साल में ज़्यादा कुछ रिटर्न नहीं है दोस्तों, मैंने पहले ही बोला था धीमे धीमे चलती है, तो ये गिरावट और रिसेशन वॉर टाइप के सिचुएशन चालू है, इसलिए ये गिरावट यहाँ पे दिखाया हुआ है, उस वजह से ये 1% का हमको रिटर्न दिख रहे हैं। 5 साल के रिटर्न में देख सकते हो दोस्तों, यहाँ कंपनी ने कुछ भी रिटर्न नहीं दिया है, बिल्कुल ही। लोग बोल रहे थे यार कहाँ इन्वेस्टमेंट कर दिया, फिर जिन्होंने यहाँ पे माल बेचा ना दोस्तों वो अभी पछता रहे इस लेवल पे। सो देख सकते हो यहाँ पे कंपनी 2 साल 3 साल शायद से नहीं चली है 2020 तक, फिर ऊपर से और कोविड आ गया तो और भी वो गिर गया, फिर उसके बाद में देख सकते हो यहाँ अगर कंपनी ने कुछ वर्क नहीं किया है उसके बाद में देख सकते हो एकदम बूम, एकदम पूरे रिटर्न ही कवर कर दिया, और जिन्होंने बेचा वो अभी भी पछता रहे होंगे। सो 5 साल में भी कंपनी ने बढ़िया रिटर्न दिया हुआ है 169% का, देख सकते हो कंपनी का मैक्सिमम टाइम में रिटर्न कितना है 2695% हम बोलेंगे दोस्तों, बढ़िया रिटर्न दिया हुआ है कंपनी ने। छोटी छोटी गिरावट इसमें भी होते रहते हैं तो इसमें भी खरीदना होता है दोस्तों, लॉन्ग टर्म के लिए आप इसे कंटिन्यू कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया कंपनी है, आईटी सेक्टर से बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस किया इस कंपनी ने। सो दोस्तों आने वाला टाइम किस चीज़ का है, आईटी का ही तो है, इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं तो सोच सकते हो आईटी का कितना उस पर सॉफ्टवेयर वगैरह रहते हैं, तो आईटी का बहुत ही ज़्यादा काम होता है। अभी UPI वगैरह, ऑनलाइन पेमेंट वगैरह, हम जो भी ऑनलाइन हम काम करते हैं इंटरनेट पे, वो सारी सर्विस आईटी पे आती है। तो दोस्तों सभी को पता है कि आईटी सेक्टर का कितना बूम होने वाला है आने वाले फ्यूचर पे, आने वाले फ्यूचर में इन कंपनियों को बहुत ही अच्छा बढ़ावा मिलेगा दोस्तों, इन कंपनियों के बारे में आप सोच सकते हो। कंपनी का मार्केट कैप देख सकते हो दोस्तों 12 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, उससे भी ज़्यादा हम बोल सकते हैं दोस्तों। तो मैंने आपको जितनी भी कंपनी बताई है सभी को स्टडी करो दोस्तों, सभी के बारे में जाके एक बार वेबसाइट विजिट करो, ये मेरा सबसे पहला मानना है। कैसा होगा दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर दोगे और उसके बाद में वो 2-3 साल आपको रिटर्न ही नहीं देगा तो आप बोलोगे सर आपने कौन सा स्टॉक बता दिया, कम से कम दोस्तों 2-3 साल, दो तीन साल छोड़ो दोस्तों, आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना चाहिए दोस्तों। लॉन्ग टर्म के बारे में आप इस कंपनियों के बारे में सोचेंगे तो ये रिटर्न भी अच्छा देगी, 5 या 10 साल के बारे में आप इन्वेस्टमेंट करने के हिसाब से अगर आप इसमें 1 लाख 2 लाख भी लगाते हैं तो आपका वो डबल या फिर ट्रिपल होने को 5 से 10 साल यहाँ पे लग सकता है, तो उस हिसाब से इस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि दोस्तों मैंने जितने भी इसमें कंपनी बताया है 10 के 10 स्टॉक उसमें जाके कल ही इन्वेस्टमेंट कीजिए, ऐसा मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये आप अपने रिस्क पे करें, मैं सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा था। तो आप इसे स्टडी कीजिए, स्टडी करने के बाद में आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हो। तभी का वेबसाइट आप विजिट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इन कंपनियों के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालिए। आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आएगा, ये 10 स्टॉक के बारे में अच्छा ओवरव्यू मिला होगा। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना दोस्तों ताकि मुझे भी अच्छा मोटिवेशन मिले। और दोस्तों नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में Angel One और Upstock की लिंक दी हुई है, अगर आपको किसी को अकाउंट डीमैट अकाउंट खुलाना है तो आप उस लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हो। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, बेल आइकन दबाएं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।